Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Mishra. This video tutorial is on Current Affairs 2021, Samayiki 2021. As we know that questions from current affairs are asked in very many competitive examinations like SSC, RRB, banking, etc. Current affairs sabhi pratyogi parikshaon ke liye mahatvapurna hote hain. इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने अगस्त मंथ की हैपनिंग को इंक्लूड किया है. दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस सपोर्टेड बाय फोर ऑप्शंस. आउट ऑफ दोज वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड दे आर फर्दर सपोर्टेड बाय द एक्सप्लेनेशन. इसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस किया. नाउ कम टू द पॉइंट्स. नंबर वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की. अभी ये हाल ही में न्यूज में था. नाउ करेक्ट ऑप्शन हियर इज 1625. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये जानने की और याद करने की जरूरत है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रमोट की गई महिलाओं के 4 लाख महिला स्वयं सहायता, जिनको कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG भी बोलते हैं शॉर्ट में, के लिए 1625 करोड़ रुपए की राशि जारी की. साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि हेल्थ ग्रुप को 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए का कर्ज भी बिना गारंटी के मिलेगा. हेल्प ग्रुप इनफैक्ट है यहाँ पर. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. भारत का कौन सा शहर सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया. ऑप्शंस हैं पुणे, चेन्नई, मुंबई एंड इंदौर. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इंदौर. भारत का इंदौर शहर सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह जी ने कहा कि सफाई के प्रति अपने समर्पण और दृढ़ इच्छा के लिए इंदौर पूरे देश के सामने एक उदाहरण है. यह वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उस शहर को दिया जाता है जिसने ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा किया. ODF मीन्स ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच ना जाने के लिए है ये. 3, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट लायन के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है. ऑप्शंस हैं बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या गुजरात सरकार. करेक्ट ऑप्शन है गुजरात सरकार, दैट इज डी. गुजरात सरकार ने हाल ही में मौजूदा प्रोजेक्ट लायन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी. इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले वर्षों में शेर सर्वेक्षण और प्रजनन के बीच की कड़ी को मजबूत करना है. इसे प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट टाइगर के आधार पर भी तैयार किया जाना है. इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट हाथी भी एक प्रोजेक्ट है, टाइगर भी एक प्रोजेक्ट है, इसी कड़ी में लायन भी एक प्रोजेक्ट है. इन बातों को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित है. ऑब्वियसली उनके संरक्षण से संबंधित हैं. 4, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई है. 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं. करेक्ट ऑप्शन इज नेशंस फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट. करेक्ट ऑप्शन इज ए, नेशंस फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट. भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की थीम रखी गई है. परंपरा के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे. पिछले वर्ष की तरफ इस वर्ष भी आयोजन को जनता के लिए प्रतिबंधित किया गया है. क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर ट्यूमर के किस पोषक न्यूट्रिएंट की खोज की. करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोटीन. वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर के ट्यूमर में एक प्रोटीन की खोज की है
जो कि सामान्य ऊतकों को कैंसर ग्रस्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अब प्रोटीन को लक्षित कर कैंसर का इलाज किया जाना संभव हो सकता है। इस रिसर्च को मॉलिक्यूलर सेल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हेयर करेक्ट ऑप्शन इज विश्व अंगदान दिवस, दैट इज ए विश्व अंगदान दिवस। विश्व भर में अंगदान दिवस के रूप में 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को इसके लिए जागरूक और प्रेरित करना है। ऐसा करके आप एक साथ कई लोगों का जीवन सार्थक बना सकते हैं। अंगदान 2 प्रकार के होते हैं, एक अंगदान और दूसरा टिश्यू यानी ऊतकों का दान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की? दिल्ली सरकार, केरल सरकार, गुजरात या महाराष्ट्र? सो करेक्ट ऑप्शन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के जयंती के अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संस्थानों और कंपनियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व के तीसरे सबसे पुराने डोरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता। विश्व के तीसरे सबसे पुराने डोरंड कप और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डोरंड कप के 130वें संस्करण का पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में 5 सितंबर से 21 अक्टूबर 2021 के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021। भारत का कौन सा हवाई अड्डा टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल हुआ? तो यहां करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021, भारत का दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल हुआ है। यह विश्व के टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में उभरा है, जबकि मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। 10, भारत और किस देश ने हाल ही में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया? यह करेक्ट ऑप्शन इज अमेरिका। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू और सहायक वाणिज्य सचिव और नोआ के कार्यवाहक प्रशासक डॉक्टर नील ए जैकब्स ने हाल ही में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन, जिसको कि NOAA अमेरिका के वाणिज्य विभाग के तहत एक अमेरिकी वैज्ञानिक और नियामक एजेंसी। 11, भारत के खेल मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की? सो ये करेक्ट ऑप्शन इज बी अनुराग ठाकुर। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की। यह फिट इंडिया फ्रीडम रन 13 अगस्त से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि पहला संस्करण 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। 12, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राज्य परियोजनाओं की घोषणा की? सो करेक्ट ऑप्शन इज उत्तराखंड। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में उत्तराखंड राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की। साथ ही सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की भी घोषणा। 13, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर पहुंच गया? दूसरे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर पहुंच गए। वह 1315 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पहले स्थान पर 1396 स्कोर के साथ जर्मन के एथलीट जोहान्स वेटर हैं। ये याद करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
14 इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया? ऑप्शंस चार दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच व्यापक चंद्र जल योजन और ओएस तथा H2O का पता लगाया। 15 निम्न में से किस देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की है? सो यह करेक्ट ऑप्शन इज अफगानिस्तान सरकार ने। अभी अफगानिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, चल रही हैं। अफगानिस्तान के काबुल के प्रमुख अब्दुल्ला ने दोहा में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की है, जबकि बैठक में मौजूद लोगों ने किसी भी शासन को बलपूर्वक लेने को मान्यता देने पर सहमति व्यक्त नहीं देने पर सहमति व्यक्त की है। 16 भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए कितने अधिकारियों को प्रधानमंत्री सम पुरस्कार देने की घोषणा की? करेक्ट ऑप्शन इज 69 ऑफिसर्स। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2018 के लिए 69 अधिकारियों को प्रधानमंत्री सम पुरस्कार देने की घोषणा की। यह पुरस्कार उनकी नवाचार क्षमताओं, विशिष्ट प्रदर्शन और उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के साथ साथ असाधारण साहस के प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाएंगे। 17 तालिबान ने हाल ही में किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी अफगानिस्तान। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। तालिबान को अभी सिर्फ काबुल और अन्य क्षेत्रों पर सरकार के हाथों में छोड़ रखा है। काबुल के कंधार के बाद कंधार ही का अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 18 इस वर्ष सितंबर 2021 में अपनी पहली मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाएगी? हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया। इस वर्ष सितंबर 2021 में अपनी पहली मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने एंड रक्षा मंत्री पीटर सितंबर में भारत और इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस एंड प्रेस द बेल बटन एंड पास ऑन टू अदर्स नाउ एंड इन द फ्यूचर। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।